धर्मं चर धर्मं चर सत्यान्न प्रमदितव्यम् सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् धर्मपालन अहिंसा सेवा यह सब अच्छे मनुष्य जीवन के लक्षण है और इसीलिए इन सब सद्गुणों को अपनाते हुए परोपकारी जीवन जीना चाहिए। उसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बड़े ध्यान से सब सुन रहे हो, क्या समझ में आ रहा है? कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछना, झिझकना मत। निस्वार्थ सेवा भावना और सदाचार में कोई बुराई नहीं है, पर केवल सत्वगुणी प्रवृत्तियों से ही जिया गया जीवन परम कल्याण के लिए पर्याप्त है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि केवल इन सब में ही जीवन व्यतीत हो तो स्वयं का कल्याण कैसे होगा? बड़े गुणी लगते हो, विद्याभ्यासी भी लगते हो और तर्क भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर लेते हो। तो आप ही बताओ, आपका क्या विचार है, मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए? ऐसा जीवन जो उस उच्चतम विद्या को पाने के लिए जिया गया हो, जिसे जानने के बाद और कुछ भी जानना बाकी न रह जाए। पर ऐसी कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या, जिससे अपने अहंकार, स्वभाव, अज्ञान, इंद्रियों एवं अंतकरण की गुलामी, हर प्रकार के दुख, सारे बंधन, जन्म मरण के चक्कर, इन सब से मुक्ति पाकर आत्यंतिक कल्याण प्राप्त होता है। पर केवल स्वयं के कल्याण के लिए जिया गया जीवन स्वार्थ सिद्धि का पर्याय बनकर ही नहीं रह जाएगा? यदि व्यक्ति यथार्थ रूप से आत्यंतिक कल्याण के मार्ग पर चल पड़े तो उसका जीवन अपने आप ही सबके लिए कल्याणकारी बन रहता है, एक यज्ञ के समान बन जाता है, सबकी भलाई का यज्ञ, सबकी सेवा का यज्ञ, सबके कल्याण का यज्ञ। इस उम्र में ऐसे अकेले क्यों निकल पड़े हो? सबको परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उम्र से तो आप शिष्य जैसे लगते, पर ज्ञान से गुरु हो।